हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इन्फो गवर्नमेंट जॉब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके ऊपर आपको सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जाएगी, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, दोस्तों उसकी अपडेट दी जाएगी। तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो है मेरा रेलवे के ऊपर डॉक्यूमेंट का पूरा फंडा कि आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या होने वाला है। और दोस्तों डॉक्यूमेंट के अंदर बाहर भी होते हैं क्या लड़के, ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है आपका कि दोस्तों डॉक्यूमेंट के अंदर किसी को बाहर किया है क्या पहले। मेरा अनुभव के तौर पर दोस्तों मैं बताऊँगा, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया हुआ है रेलवे के अंदर। तो आपको मैं बताऊँगा कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, तो टोटल इसके अंदर क्या क्या आपका प्रोसेस है पूरा इस वीडियो में हम लेके चलेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं, रेलवे के में सबसे पहले तो रेलवे में बाहर भी होते हैं क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों कोई भी बाहर नहीं होता, अगर दोस्तों आप बिल्कुल सही हो और आपके पास डॉक्यूमेंट बिल्कुल फेयर हैं तो दोस्तों कोई भी बाहर नहीं होता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। ये दोस्तों मैं आपको कन्फर्म ही बता रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट की कमी है, जैसे कि दोस्तों अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट की दोस्तों अगर दोस्तों आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है या दोस्तों पुराना है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं है या पुराना है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको दो मौके मिल जाएंगे, आपको नेक्स्ट मौका भी मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको कोई बाहर नहीं करेगा दोस्तों। अगर आपका कास्ट है वो आपकी जो कास्ट के अंदर जो जाति आती है, अगर वो उसी के अंदर है, कास्ट के अंदर सेंटर की नोटिफिकेशन के अंदर, तो दोस्तों आपको कोई बाहर नहीं करेगा। आप डॉक्यूमेंट दोबारा से भी बनवा सकते हो, आपको टाइम दे दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि फाइनल लिस्ट बनने के बाद में किसी को भी बाहर करना दोस्तों रेलवे के थोड़ा सा रेलवे समझ के बाहर करता है कि इसने कितना मेहनत किया है और कहाँ तक आया है लड़का, अभी यहाँ पर इसको बाहर करेंगे, तो कुछ इसको टाइम दे दिया जाए दोस्तों। हाँ, अगर आपके पास दोस्तों प्रॉब्लम है आपकी मार्कशीट में, अगर आपने मार्कशीट है वो भर्ती की लास्ट डेट के बाद में की है, 12th या फिर आपकी आईटीआई है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी है, अगर आप वहाँ पर ऐसा करते हो तो दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाएगा उसमें बिना कुछ सोचे समझे। अगर आप दोस्तों अर्क सर्विस मैन नहीं हो और आपने भर दिया अर्क सर्विस मैन, या आपके डिवोर्स नहीं हो तो वो भर दिया दोस्तों, आप एससी से नहीं हो एससी भर दिया, ये दोस्तों आपका गलत तरीके से आपने फॉर्म भरा है, तो दोस्तों आप बाहर हो सकते हो। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, जनरल में आपका सिलेक्शन होगा तो अच्छा, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आप एप्टीट्यूड लगा देते हो कि सर मेरे साइबर कैफ़े वाले ने ये गड़बड़ कर दी, मतलब जो भी नाम के अंदर करेक्शन कर दिया, मार्कशीट का नाम कुछ चेंज है, फॉर्म में कुछ चेंज कर दिया, आधार कार्ड में कुछ चेंज है, तो मतलब ऐसा कुछ है, तो आप एप्टीट्यूड लगा सकते हो। आपको रेलवे ने ऑफर दिया है, आपके एडमिट कार्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसके अंदर ये पहले ही लिखा गया है कि नाम का जो भी कोई प्रॉब्लम है वो एप्टीट्यूड बनवा के लेके आए अपना, कि ये साइबर कैफ़े वाले ने मेरा गड़बड़ कर दिया, उस हिसाब से वो रेलवे के अंदर चल जाएगा आपका एप्टीट्यूड। तो दोस्तों आपका रेलवे के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, आपको जो डेट दी गई है उस डेट पर आपको जाना है, और दोस्तों आपको एक ड्राइवर बैठाया जाएगा, जिस भी शिफ्ट में जितने भी बंदे बुलाते हैं, 30 50 जो भी है उनको बैठाया जाएगा, उनको दोस्तों वहीं पर आपका चरित्र के लिए फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा दोस्तों, जैसे कि और भर्ती में होता है, जैसे कि दोस्तों आपका और भर्तियों में होता है कि आपका चरित्र बनवाए जाते हैं आपसे, सरपंच का, जो भी आपके मुखिया का, आपका स्कूल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं, आपके करेक्टर सर्टिफिकेट, वो दोस्तों रेलवे के अंदर बिल्कुल भी नहीं मांगे गए हैं, आप ना ही बनवा के लेके जाए, ना ही पुलिस वेरिफिकेशन मांगा गया है आपसे, ना ही कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र मांगा गया है दोस्तों। रेलवे खुद मेडिकल करेगा आपका, पूरा मेडिकल खुद ही करेगा दोस्तों, तो आपसे ऐसा कुछ प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। तो दोस्तों आपका जाते ही पहले को आपसे कुछ फॉर्मेलिटी करवाई जाएंगी, पहले तो इंट्री करते टाइम आपका जो आइडेंटिटी देखी जाएगी और उसके बाद इंट्री दे दी जाएगी, उसके बाद में आपको दोस्तों फॉर्म दिए जाएंगे दो, तो उसके अंदर दोस्तों आपसे भरवाए जाएंगे वो, एक तो दोस्तों चरित्र का ही होगा, उसके अंदर आपका पूरा पता भरवाया जाएगा, आपसे जो भी दो आदमी हैं आपके गाँव में कोई भी, वो उनके नाम लिखवाए जाएंगे दोस्तों, उससे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, पुलिस आपसे आएगी तो वेरिफिकेशन के लिए वो दोस्तों रेलवे ही भेजेगा आपको, वो फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको भरना है, और दोस्तों एक फॉर्म आपको दिया जाएगा कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप किस डिवीज़न में देना चाहते हो, जैसे कि आपने पोस्ट में डाल दिया एएलपी आपका फर्स्ट चॉइस है और दोस्तों आपका एएलपी में चांसेस हैं, तो आपको फॉर्म दिया जाएगा जिसके अंदर आपका डिवीज़न दिए होंगे अलग अलग कि इस डिवीज़न के अंदर आपको देना है, आपकी वरीयता उसके अंदर दे सकोगे। ये दोस्तों डी ग्रुप में हुआ था,
तो टेक्नीशियन और एलपी में भी होगा, इसमें भी चांसेस हैं कि वैसा ही होगा। तो दोस्तों उसके बाद में आपके वो दोनों फॉर्म फिलअप करवा के आपका जो डिवीजन की है वो वरीयता भर के, और आपसे दोस्तों उन पे के ऊपर फ़ोटो चिपकाई जाएंगी आपकी, वो पूरा करवा के डॉक्टर दोस्तों आपका। उसके बाद में दोस्तों आपका मार्कशीट वगैरह चेक किए जाएंगे, तो मार्कशीट आपका 10th का, जो कि दोस्तों आपका जन्म प्रमाण पत्र के रूप में भी मान्य है, और दोस्तों आपका 10th की मार्कशीट के रूप में भी मान्य है। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, आपका जो ITI है, डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग है, इसकी दोस्तों सेमेस्टर वाइज आपके पास मार्कशीट है तो सेमेस्टर वाइज दो, वरना आपके पास एक कंबाइंड मार्कशीट है तो आप मार्कशीट दो। और आपके पास सर्टिफिकेट अगर आपका आ गया है 2 साल के बाद में आता है जैसे सर्टिफिकेट, तो वो आ गया है तो वो भी आपको देना, उसकी 2 फोटोकॉपी। और दोस्तों अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया तो आप मार्कशीट भी लेके जा सकते हो। उसके बाद में वो रेलवे के ऊपर निर्भर है वो क्या करेगा, पर दोस्तों आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर, जो भी मैंने मार्कशीट बताई है 10th 12th और आपकी डिप्लोमा ITI, इसके अंदर आप देख लें कि आपका जो डेट है वो पासिंग, वो दोस्तों ज़रूर अंकित होना चाहिए। नीचे ही नीचे डेट आता है वो ज़रूर अंकित होना चाहिए, उससे दोस्तों पता लगेगा कि ये है फॉर्म की लास्ट डेट से पहले ही इसने अपनी पढ़ाई है वो पूरी कर ली है दोस्तों। तो ये आपका होगा टोटली पढ़ाई का दोस्तों। तो उसके बाद में आपका आता है जनरल के लिए, आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है, OBC ST के लिए ही लेके जाना है। तो दोस्तों OBC ST CST का जो आपका फॉर्मेट है वो तो आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन में, मैं भी अपने वीडियो में 2-3 बार दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों वही फॉर्मेट आप लेके जाएंगे तो आपके लिए बेटर है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। और आप दोस्तों OBC के लिए मैं स्पेशली आपको बता दूँ कि OBC के जो लड़के हैं वो 6 महीने से पुराना डॉक्यूमेंट है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम आपको मिल रहा है दोस्तों। 3 से 5 दिन में आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है, 100 से 200 रुपये आपके लगते हैं दोस्तों। तो आप, मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, मेरा तो यही सजेशन है कि आप बनवा लें। तो रेलवे उसके अंदर आपको बाहर तो नहीं करेगा दोस्तों, पर आपका बाहर तो नहीं करेगा पर आपको टाइम देगा। उसके बाद में अगर आप उस टाइम पर लेके जाते हो तो आपका थोड़ा लेट हो सकता है, ज्वाइनिंग में भी लेट होगा और आगे भी आपका थोड़ा लेट होगा। तो दोस्तों उस लेट से बेटर है आप 100-200 रुपये आपके लगेंगे, आप अपना सर्टिफिकेट वो बनवा लें, नया सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर का होना चाहिए OBC के अंदर। ये रेलवे ने कहीं पर भी नहीं लिखा है दोस्तों, ये मैं अपने आप से एक्सपीरियंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कि वहीं पर आपको प्रॉब्लम कुछ ना हो जाए इसलिए दोस्तों, कि वो 6 महीने के, यानी कि आप मान सकते हो 2019 के अंदर का होना चाहिए वो दोस्तों। आपके स्टेट में कैसा भी बनता है, जैसा भी, जैसे कहीं पर राजस्थान में ई मित्र में बनता है या फिर और कहीं पर जिस भी प्रकार से बनता है, वो इंग्लिश वाला बनता है वो आप बनवा लें और हिंदी वाला बनवा लें दोनों। और दोस्तों उसके बाद में अगर आपके पास रेलवे के फॉर्मेट में वो बना है आपके स्टेट में तो बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि रेलवे के फॉर्मेट में जो इंग्लिश के, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि वो रेलवे का जो लोगो है वो होना चाहिए, वो ज़रूरत नहीं है। आपका लोगो नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, पर दोस्तों फॉर्मेट है वो आपका इंग्लिश वाला और वही आपके अंदर पॉइंट होने चाहिए उसके अंदर, ये ज़रूर आप जाँच लें। और अगर आपके पास दोस्तों वो नहीं बनता है आपके वहाँ पर, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। आप दोस्तों ये नहीं है कि आप DM के पास ही जाएं, डिस्ट्रिक्ट के पास ही, वहाँ पर ही दोस्तों आपका बनवाना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, वो दोस्तों आप SDM के पास भी जा सकते हो, तहसीलदार के पास भी जा सकते हो, कहीं पर भी आप बनवा सकते हो। तहसीलदार से नीचे की पोस्ट का कोई भी अधिकारी नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर आपको जाना है। और दोस्तों आपके जो भी आपके नए बनवाए हैं दोस्तों, जो भी आपने सर्टिफिकेट नए बनवाए हैं, वो दोनों सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, और आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, और आपकी 10th की मार्कशीट लेके जानी है, और वो फॉर्म जो रेलवे का फॉर्मेट है वो फिलअप करके साइन करके फ़ोटो चिपका के आपको SDM या तहसीलदार या जहाँ पर भी आपने बनवाना है वहाँ पर जाना है। वो दोस्तों उनके आपके पीछे के सर्टिफिकेट देख के आपको वहीं पर बना देंगे, तुरंत बना देंगे दोस्तों, उसमें कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो वो ज़रूर बनवा लें, आपको कुछ भी ज़्यादा कोई ना तो उसके अंदर आपका चालान लगेगा ना कोई स्टाम्प पेपर लगता है, सिर्फ आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, इनकी फोटोकॉपी लेके जानी है। वो SDM देखेगा और आपका सिग्नेचर कर देगा और आपके पास वो डॉक्यूमेंट आपके रख लेगा। ये दोस्तों प्रोसेस है आपका OBC और SC ST का, जो सर्टिफिकेट आपको बनवाना है फॉर्मेट में वो दोस्तों। वो फॉर्मेट आप जो स्टार्टिंग में जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आई थी उससे आप डाउनलोड कर सकते हो दोनों, OBC और SC ST के तीनों। तो ये दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक इसके बाद में आता है दोस्तों आपका EBC सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आपने
फीस में छूट ली है तो वो बनवा लें, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। वो आपका पटवारी के पास बन ना उसके वकील के पास बन जाएगा, सॉरी वकील के पास आपका बन जाएगा, नोटरी करके वो बना देगा, उसमें कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है आपको। अगर आपने छूट के लिए गलती से भी टिक कर दिया तो भी आप बनवा के लेके जाएं, ज़रूर आपको वहाँ पर रिस्क ना हो। और दोस्तों भी अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं जो भी सिख है, मुस्लिम है, जो भी ईसाई है, ये इनके लिए दोस्तों अलग से एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, वो बनवा के लेके जाएं, वो भी वहीं पर मांगते हैं आपका, अगर आपने वहाँ पर टिक में क्लिक किया हुआ है। और दोस्तों आपका बता दूँ मूल निवास डोमेन सर्टिफिकेट है, वो दोस्तों आपका J&K के लिए तो अनिवार्य है, बाकी अदरवाइज सभी के पास होगा वो दोस्तों, वो भी लेके जाएं, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि आपका डॉक्यूमेंट में कमी हो और आपको बाहर कर दिया जाए दोस्तों। मतलब बाहर तो नहीं करेंगे पर आपको ज़्यादा टाइम दिया जाए तो आपका ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, तो उससे अच्छा आप डॉक्यूमेंट लेके जाएं सभी। तो दोस्तों ये मेरी राय है डॉक्यूमेंट के प्रति, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी सूचना लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको रिप्लाई दूंगा मैं, रिप्लाई नहीं दूंगा तो आपको वीडियो बना दूंगा दोस्तों, जो भी मेरे से संभव हो सकेगा आपकी सहायता की जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।